फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी मैं उठ चुकी हूँ और अभी बज रही है 7, क्योंकि मैं आज पूरी रात सो नहीं पाई। मेरे दोनों शोल्डर में इतना गंदा वाला पेन था, अभी भी बहुत ज़्यादा पेन है लिटरली। यानी मैं हाथ ऊंचा नहीं कर पा रही, यानी मैं कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। फिर मैंने सोचा नहीं उठूँगी तो ज़्यादा यानी एकदम जैम हो जाएगा, इसलिए फिर मैंने सोचा कुछ एक्सरसाइज ही कर लेती हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ हाथ की, उससे हो सकता है मसल्स रिलीफ हो जाए। तो वही अब करके मिलती हूँ आपसे, फिर बताती हूँ क्या हाल है मेरे हाथों का। अभी जा रही हूँ मैं शॉप पर और ब्रेकफास्ट वगैरह करना सब बाकी आके फिर करूँगी, क्योंकि सिर्फ 11 बजे तक ही शॉप खुली रहती है और अभी कुछ ऑर्डर है तो उनको करती हूँ डिस्पैच। ये हमारे माइक आ चुके हैं, ये भी हमने ऑर्डर किए थे कुछ दिन पहले, तो देखते हैं कैसे आए हैं। इसके अंदर है ट्रांसमीटर और रिसीवर। ये है हमारा ट्रांसमीटर और ये है रिसीवर। इसके साथ आई है केबल, ये आया है साथ में विंड को, भी अनबॉक्स कर देते हैं। और ये माइक हमारा सराउंड रिकॉर्ड करेगा। ये इसका विंड है, ये यहाँ पर ऐसे लग जाएगा, ये इसके ऊपर अटैच होगा। बिगर विंड के इसमें जो भी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो है, और विंड लगाने के बाद देखते हैं कितनी क्लियरिटी बढ़ती है। और अब हम यूज़ करेंगे सराउंड माइक। यहाँ पे लगा दिया है मैंने सराउंड माइक और इसमें आवाज़ और अच्छी आ रही होगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना, तो कैसा लगा आपको ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। इसका ऊपर वाला डब्बा है ना, मैंने बाहर ही फेंक दिया क्योंकि सैनिटाइज करके बाहर रख दिया, और इसको भी सैनिटाइज करके ले डायरेक्ट। तुमने कलर वो नहीं मंगाया? कौन सा? पिंक कलर चाहिए था मुझे, तो इसमें ग्रीन नहीं चाहिए था। सिमसिम खुल गया। इसके अंदर है एक टिफिन का डब्बा जो कि हम स्कूल जाते थे तो लेके जाते थे। अच्छी क्वालिटी का, सब तमड़े जैसा। इसके ऊपर है ये इसकी कैप, और कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ ये टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ट्राई करते हैं इसमें होता है। इसमें क्या सिस्टम है बताओ, जैसे कि अपन को दूध तो गर्म करना है, दूध गर्म कर दिया, अंदर डाल दिया एंड उसके ऊपर थोड़ा सा योगर्ट डाल दिया और एंड देन मिक्स कर दिया, तो फिर इसको फिर बंद करके रख दिया और इसको अपन को चालू करना है 5 से 6 घंटे ऐसा कुछ। तो ये है ना, इसका टेम्परेचर एकदम सेट रखता है, तो टेम्परेचर से इसमें वो जो पानी नहीं बन जाता अपन बनाते हैं, तो वो। आज मैं शूट पे नहीं गई हूँ क्योंकि मैंने आपको सुबह जैसे ही बताया था ना कि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं, उस वजह से मेरे को आज शूट पे जाने की इच्छा नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे, हमारी आँखें नहीं खुल रही, धूप ज़्यादा है, पर हवा ठंडी ठंडी मस्त चल रही है एकदम, चकाचक आपकी लैंग्वेज में बोले तो एक नंबर। घर पे देखो वायरों का मेला लगता है। कितने वायर है यार, पेड़ मस्त झूल रहे, देखो ना डांस कर रहे सब। बारिश देखने आए थे, बारिश तो दिखी नहीं, अब चलते हैं धूप देख कर ही। कुछ बोलो ना, मेरी भाभी का चैनल सब्सक्राइब कर दो, ऐसा बोलो। मेरे को नहीं बोलना, ऐसे बोलो, मैं बोल रही हूँ वैसे। अभी बज रही है 10:30 और हमारी डाइट में रोज रहता है दही, तो आज हमने जो यानी योगर्ट मेकर, उसमें हम योगर्ट जमाएंगे, देखते हैं कैसा जमता है। कल वाले व्लॉग में दिखेगा आपको कैसा जमेगा, आप आज तो हम जमाने वाले हैं ना, इसलिए हमने आज जो दही जमाने वाली मशीन मंगवाई थी उसमें हम जमाएंगे दही। और यहाँ पर मैंने लिया है फुल फैट क्रीम मिल्क, यानी भैंस का दूध जिसका दही बहुत अच्छा बनता है, इसको एकदम हम बिल्कुल गुनगुना गर्म कर देंगे, जैसे कि इस योगर्ट मेकर के अंदर हमको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं उस हिसाब से हो रहा है। तब तक आप है ना इस कंटेनर को अच्छे से वॉश कर दें, मैंने तो कर दिया है क्योंकि बाहर से आया हुआ क्या, आप कभी भी इसको यूज़ कर रहे हैं तो उसको एक बार गर्म पानी में वॉश किया। यहाँ पे मिल्क गुनगुना हो गया है और अब मैं इसके अंदर निकाल दूँगी। ओके, और इसके अंदर हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा दही इसको जमाने के लिए। ये दही हमने खा ली है, अब बेचारे का थोड़ा सा पानी बच चुका है, अब इसको मैं अच्छे से स्टर कर दूंगी जिससे इसमें लम्स नहीं बनेंगे। ये हो गया हमारा कम्प्लीटली रेडी, और अब इसके अंदर हम अच्छे घुमाते हुए दही को डालेंगे और
थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं करना है हमको। बस ये हो गया हमारा मिक्स, एंड देन इसको हम डाल देंगे योगर्ट मेकर में, और योगर्ट मेकर हम स्टार्ट कर देंगे। इसके ऊपर इसकी जो कैप है, इसके ऊपर जो इसकी कैप है वो लगा देंगे, एंड देन इस मशीन की जो कैप है वो लगा देंगे। चलो मेरे तरफ। इसके अंदर यानी 4 से 5 घंटे में अच्छी दही जम जाती है ऐसा बोल रहे, पर अभी हम लोग सो रहे तो लगभग अभी 10:30 बज गई है ना, तो हम चेक करेंगे इसको सुबह, तो देखेंगे कैसी दही जमती है। हम हाथों से जमाते वो अच्छी जमती है या फिर योगर्ट मेकर वाली। इसी के साथ कर रही हूँ मैं मेरे ब्लॉग का एंड। आज का ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।